अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि नेशनल की शान निहारी मसाले के साथ हम आपको बहुत इजी वे में चिकन निहारी बनाना बताएंगे। तो ये हमने ऑयल लिया है आधा कप और उसमें प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आप मटन या बीफ की भी बना सकते हैं, तो मैंने चिकन लिया है। हम इसको भी फ्राई कर लेंगे और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब ये हल्का सा इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हम ये देखते हैं जैसे कि ये चिकन का हल्का सा पानी में ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, ठीक है, और थोड़ा सा और डाल लेते हैं। और अब हम इसको फिर हल्का सा फ्राई करेंगे जैसे कि लहसुन अदरक का हल्का जो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही ये ज़रा इसकी हो जाएगी ख़त्म खुशबू, और अब हम इसमें नेशनल का निहारी मसाले का आधा पैकेट डाल दें। अगर आपका 1 किलो चिकन है तो आप पूरा डाल दें, लेकिन हमारे पास आधा किलो चिकन है तो आधा पैकेट नेशनल निहारी मसाले का इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अब और कोई चीज़ नहीं जाएगी गाइस, ना नमक, ना मिर्च, ना हल्दी। नमक आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक, अदरवाइज इसमें और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी क्योंकि इसी मसाले में तमाम चीज़ें ऐड हैं। और अब हम इसमें ये देखें जैसे कि हल्की सी ये बूटियाँ जो हैं वो गोल्डन हो गई हैं। और अब हम इसका नमक एक दफ़ा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर हमें कम लगेगा तो हम डाल देंगे। और ये हमने टमाटर और हरी मिर्च का 1 टमाटर और 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल हो तो आप डाल दें टमाटर, अगर नहीं भी डालेंगे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने में ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और हम इसको अच्छे से भून लेते हैं और इसमें हम नमक चेक कर लेंगे, अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और ये जब तक ये हम इसको अच्छे से भून रहे हैं, ये आप देखिए बड़ा अच्छा इसका कलर आ गया है, हल्की सी इसमें ग्रेवी भी आ गई है, ठीक है जी। और अब हम जो है इसको इसका नमक हल्का सा नमक चेक कर लेते हैं, जिसमें नमक थोड़ा कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा नमक अब इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने नमक डाल दिया, अभी जब तक ये भून रहा है तो हम दूसरी साइड पे अपना दूसरा काम कर लेते हैं। ये हमने मैदा लिया है 1 चम्मच 2 चम्मच और 2 चम्मच आटा, घर का आटा, दोनों हमने मिक्स कर लिए और इसको तवे पर हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। तवे की आंच स्लो पे हम इसको लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल लाइट इसको हम ब्राउन करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। और ये देखिए, और ये हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये हमारा ब्राउन हो गया है आटा, और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करेंगे और इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है ये गुठलियाँ सी ना बने आटे की, और ये बिल्कुल लिक्विड सा जो है एक पेस्ट हमें चाहिए। और आप अगर चाहें तो इसमें आधी चुटकी जर्दे रंग का भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, मैं नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें डाल दें। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल लिक्विड बना लेंगे, बिल्कुल भी इसमें जो है वो गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसको जो हमारा चिकन तैयार हो रहा है उसमें हम इसको डाल देंगे। इसमें हम अब ये ऐड कर देंगे जो हमने आटे का और पानी का लिक्विड रेडी किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने जैसे इसमें आटा डाला है तो इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी सी वो हो गई है, गाढ़ी सी, लेकिन अभी इसमें चिकन जो है वो पक्का नहीं है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। और जब तक कि इसका चिकन, अभी इसका आटा हमने वैसे तो भून लिया था लेकिन अभी निहारी में भी पकेगा,
तो 10 से 15 या 20 मिनट आप जो है इसको पकने के लिए रखें, ताकि जो है वो चिकन भी अच्छे से गल जाए और इसका जो आटा है वो भी अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें कितना पानी डालना है। ये देखें, हमने इसमें इतना पानी डाला है। ये देखें, ये आपको समझे में पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल ही पतला है, ताकि ये पक के अभी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इस पर लिड लगा देंगे और 20 से 25 मिनट में हमारी निहारी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। ये लीजिए, ये मज़ेदार सी निहारी हमारी बन के रेडी है, नेशनल की चिकन निहारी।